नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और बात करेंगे उपचुनाव की जंग की और इसी से जुड़ी आ रही बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए चल रहा मतदान। जी हां, बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशी ने मतदान किया है बागेश्वर उपचुनाव में। धीरे धीरे बढ़ रहे मतदाता। जी हां, भाजपा प्रत्याशी पार्वती दास ने मतदान किया है। जिला पंचायत बागेश्वर में मतदान किया है। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने भी मतदान किया है। विवेकानंद विद्या मंदिर पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया। जिलाधिकारी बागेश्वर अनुराधा पाल ने मतदान किया और साथ ही जीआईसी बागेश्वर में जिलाधिकारी ने मतदान किया है। बागेश्वर में सुबह से ही महिलाएं मतदान कर रही हैं, तो मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी जो मतदाता वोटर्स की भीड़ है वो यहां पर देखने को मिल रही है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है फिलहाल और बेहद महत्वपूर्ण यहां पर जो जानकारी यहां पर आ रही है, तो बागेश्वर उपचुनाव की जंग बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है हर लिहाज से, क्योंकि पूरी तरीके से अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि कांग्रेस के लिए भी। तो बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान जो है वो हो रहा है या मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटता नजर आ रहा है। चुनावी मैदान में उत्तराखंड क्रांति दल, समाजवादी पार्टी, उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं। तो ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से काफी संख्या में जो वोटर्स हैं वो वोटिंग सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं। कड़ी सुरक्षा यहां पर की गई है और दोनों ही प्रत्याशियों ने अपने वोट जो है वो भी कास्ट कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं अच्छी खासी महिलाओं की जो महिला वोटर्स की पुरुष वोटर्स की संख्या है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से उमड़ी है मतदान केंद्रों पर। तो बागेश्वर उपचुनाव बेहद महत्वपूर्ण यहां पर हो जाता है और बागेश्वर की जनता का क्या फैसला रहता है ये काफी महत्वपूर्ण होगा। तो कांग्रेस इस उपचुनाव को अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव से पूर्व तैयारी के रूप में ले रही है। बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा संसदीय सीट के अंतर्गत है और अल्मोड़ा संसदीय सीट भी आरक्षित है। बागेश्वर उपचुनाव के परिणाम अगर कांग्रेस के पक्ष में रहते हैं तो फिर पार्टी की नई ऊर्जा मिलना तय माना जा रहा है और इसे ध्यान में रखकर ही पार्टी ने अधिक संख्या में मतदाताओं में पैठ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है। तो बता दें आपको कि बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जो है आप देख सकते हैं किस तरीके से ये लाइव अपडेट हम आपको दिखाते चल रहे हैं और क्या कुछ चुनावी जो समीकरण है वहां पर वो भी अब आपको दिखाते चल रहे हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय मतदाता 65% है इस सीट पर। तो चलिए फिलहाल वहां पर क्या कुछ समीकरण है वो भी यहां पर जांच लेते हैं और अभी ताजा जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी हम यहां पर जानने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता नवीन शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही सीनियर जर्नलिस्ट ललन प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। सबसे पहले नवीन आपके पास आना चाहूंगी, एक छोटी सी अपडेट आप हमारे दर्शकों को यहां पर दे दीजिए कि अभी वोटिंग प्रतिशत क्या कुछ हो रखा है और कितनी संख्या में वहां पर जो वोटर्स की भीड़ है वो वहां पर देखने को मिल रही है। जी अंजलि, निश्चित तौर पर अगर बागेश्वर उपचुनाव की बात करें तो सुबह 7 बजे से जो वोटिंग का सिलसिला जारी था, अगर वोट परसेंट की बात करें तो अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो 30% का जो वोट प्रतिशत है वह हो गया है। लोगों में काफी रुझान देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी धूप तेज होने की वजह से जो मतदाता है वह कम घरों से निकल रहे हैं, लेकिन सुबह 7 से 9 बजे के बीच की बात की जाए तो जो भारी तादाद में जो लोग थे मतदाता थे वह वहां पर बागेश्वर में वोट करते हुए नजर आए थे। साफ तौर पर जो ये मुकाबला है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, जहाँ अगर बीजेपी की बात की जाए तो पार्वती दास चुनाव मैदान में है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं वह चुनाव मैदान में है। कहीं ना कहीं अपनी अपनी जीत के दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वोटरों के हाथ में पाले में अब भेद आ चुकी है। वोटर किसके पक्ष में वोट करते हैं, कि वह बीजेपी के पक्ष में करेंगे या कांग्रेस के पक्ष में करेंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर देखने वाली बात है कि जो ये मुकाबला है काफी दिलचस्प होने वाला है। जो वोटर हैं अब ईवीएम की तरफ जा रहे हैं, अपना मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। भारी तादाद में जो लोग हैं वह
तमाम जगहों पर जा रहे हैं जहां पर वोटिंग के लिए स्थान बनाए गए हैं वहां पर जा रहे हैं। चलिए लौटूंगी आपके पास नवीन और राजेंद्र सिंह बिष्ट जी हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो जुड़े हुए हैं। राजेंद्र सिंह बिष्ट जी मैं समझना चाहूंगी यहां पर कि कितना महत्वपूर्ण इस उपचुनाव की जो जंग है वो दोनों ही पार्टियों के लिए हो जाती है ऐसे समय में जब इस सीट से एक ही जो चंदन पूर्व कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास जी जिनका आकस्मिक निधन हो गया वो इस पर उनकी अच्छी पकड़ बीजेपी की अच्छी पकड़ जो है वो रही है लेकिन ऐसे समय में जब चुनाव सर पर है लोकसभा चुनाव और उससे पूर्व ये उपचुनाव हो रहे हैं तो कितना ज्यादा महत्व बढ़ जाता है इस तरीके के उपचुनाव का। देखिए जहां तक बात यह है उत्तराखंड के उपचुनाव की बात है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो चंदन रामदास जी थे वो करीबन 2007 से वहां पे जो है विधायक रहे हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया वहां पे और उनकी जो एक छवि थी बड़ी एक निष्पक्ष और एक ईमानदार व्यक्ति की छवि थी और वो इस बार जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी थे। तो उनके आकस्मिक निधन के बाद वो सीट खाली हुई और उनकी पत्नी को जो है बीजेपी ने जो है प्रत्याशी बनाया है। अगर आप ये पूरी देखेंगे बागेश्वर में ये जो चुनाव है वो जो है कांग्रेस वर्सेस जो है बीजेपी का है और दोनों पार्टी ये चाहती हैं कि किसी तरीके से जो है हमारा प्रत्याशी जीते। जहां तक बात कांग्रेस के प्रत्याशी की है वसंत कुमार जी की वो इससे पहले आप में थे उससे पहले वो दूसरी पार्टी में थे और निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उनको किसी भी समय में जो है उनको सफलता नहीं मिली है। इस बार कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और हम ये देखना चाहेंगे कि जनरली जब भी इस तरह के उपचुनाव होते हैं तो सत्ता पक्ष में जो पार्टी रहती है उसका ज्यादा जो है उसमें महत्व तो बढ़ जाता है और उसका ज्यादा ये देखा गया है कि हर बार जो है वो जीतने की उसमें परसेंटेज ज्यादा रहती है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है इस बारे में बागेश्वर उपचुनाव के बारे में वो अपने पूरे दमखम से लगे हैं थोड़ा सा जो है किसी तरीके से जो है पार्वती देवी जी का भी जो है एक उनके ऊपर जो है एक जो सेंटिमेंटल वोट है वो भी उनकी तरफ से महिला प्रत्याशी हैं और चंदन राम जी की जो भी छवि थी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये जो ट्रेंड बता रहा है कि वहां पे बहुत सारी महिलाएं अभी तक करीबन 12:30 बज गए हैं 32% करीबन मेरे पास जो आंकलन है 32% वोटिंग हो गई है और जिस तरह से वोटिंग परसेंट बढ़ रहा है 50-60% अगर वोटिंग शाम तक होती है तो मुझे लगता है बीजेपी थोड़ा बहुत अच्छा कर पाएगी इस चुनाव में। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आप कह रहे हैं और ललन प्रसाद जी सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ललन प्रसाद जी क्योंकि अब कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से चुनावी जंग जो है दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है ऐसी स्थिति में पार्वती दास की अगर यहां पर बात की जाए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तो यह तक कह दिया कि राम की नगरी में जीत तो शिव की नगरी में जीत तो पार्वती की ही होगी। जी बात तो उन्होंने ठीक ही कहा है। ऐसा है कि ये चुनाव बहुत कांटे का चुनाव है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में और बीजेपी ने एक महिला उम्मीदवार को खड़ा करके एक बहुत अच्छा दांव खेला है और महिला उम्मीदवार भी पार्वती जी की छवि बड़ी अच्छी है वहाँ पर उत्तराखंड में और चूंकि उत्तराखंड में सरकार भी बीजेपी की है और पार्टी का प्रत्याशी भी एक लोकप्रिय है तो इसलिए काफी संभावना है उनके जीत की। बाकी कांटे की टक्कर है कांग्रेस ने जिसको खड़ा किया वसंत कुमार जी को तो ये पहले एक पार्टी पाला बदल चुके हैं पहले वो आप में थे और फिर कांग्रेस में आ गए और अभी उनका गढ़ तो नहीं बन सका है बागेश्वर जगह और इसलिए मुझे लगता है कि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और उसमें बीजेपी का पल्ला भारी लगता है। महिलाएं बड़ी संख्या में वोट देने दे रही हैं क्योंकि पार्वती जी की छवि उनके बीच में काफी अच्छी है। बाकी कुल मिला के अभी कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि जातियों का जो प्रतिपादन वहां पर है ब्राह्मण और क्षत्रिय 65% के करीब है और 35% के करीब SC ST और लोग हैं तो इसको देखते हुए जो ये रण है वहाँ जो इस वक्त चल रहा है ये बहुत कांटे का टक्कर इसमें कोई शक नहीं है और इसका महत्व इसलिए भी और बढ़ गया है कि अभी भी इंडिया गठबंधन बना है और कांग्रेस के लिए भी एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है अगर यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी हार गया बुरी तरह से हार गया या
जमानत जब्त हो गई या ऐसी कुछ बात हो गई तो स्थिति इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी शर्मनाक होगी। तो इसलिए इंडिया गठबंधन पूरा जोर लगा रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरे जोर दम से यहाँ पर कोशिश कर रही है कि उनका प्रत्याशी जीते। बाकी तो जनता के हाथ में है, जीत तो जीत और हार तो वहाँ के मतदाताओं की इच्छा पर निर्भर करती है जी। और जो भी स्थिति है अच्छा है, दोनों पार्टियों के बीच में अच्छा संघर्ष है और देखिए क्या परिणाम होता है। जी बिल्कुल। और बागेश्वर की जनता की चुप्पी जो है इस कांटे की टक्कर को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाए हुए है राजेंद्र सिंह बिश्री, क्योंकि अब ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसी सीट है जिसपे एक चंदन रामदास जी का जो एक वर्चस्व इसे कहे, बीजेपी का वोट बैंक जो इसे कहे, वो काफी सालों से चला आ रहा है। उस बीच अगर दूसरी तरफ बसंत कुमार कांग्रेस की तरफ से हम यहाँ पर देखें तो ये वर्चस्व जो है कांग्रेस की पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी या इंडिया गठबंधन की पूरी कोशिश यहाँ पर रहेगी कि कांग्रेस की यहाँ पर जीत हो, लेकिन सिंपैथी वोट कितना बड़ा कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं इस चुनाव में वो यहाँ पर समझने वाली बात होगी। देखिए जहां तक बागेश्वर की बात है और इस समय की बात है, अगर हम आंकड़ों से जाते हैं, जो स्टैटिस्टिक्स से जाते हैं, पिछली बार जो बीजेपी को वोट परसेंट था वो 50% से ऊपर मिला था और उनका वोट परसेंटेज लास्ट ईयर जो पिछले से पिछले बार 2000 हम बात कर रहे हैं तो उसमें जो है उनका वहां से भी जो है उनका परसेंटेज 4% करीब बढ़ा है। तो वोट परसेंटेज की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चंदन रामदास जी को 32,000 वोटों से उनको वोट मिले हैं और अगर कांग्रेस को जो मिले हैं वो करीबन करीबन 20,000 के आसपास जो है उनको वोट मिले थे। तो जो उनके बीच का गैप था, बाकी जो और पार्टीज थी उनके बीच का जो गैप हम देखें, और वसंत कुमार जी को देखें, उनको पिछली बार जब लड़े थे तो उनको करीबन 10,000 वोट मिले थे। हम ये कहते हैं कि अगर इन दोनों वोट परसेंटेज को अगर मिला भी दिया जाए तो और सब कुछ मिला के तो 30-31,000 वोट जो है क्या कहते हैं हम कांग्रेस के जो समझ के और आपसी जो वोट है उनका सब मिला के कर सकते हैं। लेकिन अगर इस बार जो है कहीं पे भी अगर 50% से ऊपर अगर वोटिंग होती है और करीबन 1,18,000 मतदाता हैं तो हमें समझते हैं कि 60-65,000 अगर जो है मतलब 60% की अगर वो होती है तो करीबन करीबन 40,000 जो है वोट अगर हम पढ़ते हैं तो 40,000 वोट में तो कहीं ना कहीं जो है बीजेपी का थोड़ा सा पलड़ा भारी है। लेकिन जहां तक इंडिया गठबंधन की बात करते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, अभी लोकसभा चुनाव नहीं है, और विधानसभा चुनाव में जो उपचुनाव है उसमें इंडिया गठबंधन अभी जो है नहीं लड़ रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि आपके प्रत्याशी सीधे सीधे उठ के आगे बीजेपी में सॉरी कांग्रेस में आ गए हैं। तो मुझे जहां तक बात की और उनके आपका प्रत्याशी और बाकी लोगों के प्रत्याशी भी जो मैदान में है तो उनका तो खैर इतना ज्यादा उनको वोटिंग नहीं मिलेगा, बट ये सीधे सीधे हम ये कहते हैं कि इसमें बाकी चीजें तो उनको 1,000-2,000 वोट पड़ जाए तो बहुत बड़ी बात है, बट जो कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है अब ये देखना है कि सिंपैथी वोट कितने मिलते हैं, बीजेपी का कैडर कितना वोट उनको दिलाता है, संगठन कितने वोट उनको दिलाते हैं, मुख्यमंत्री का जो अपना जो है उनका जितना कंसंट्रेशन है वो कितना वोट दिलाते हैं। तो ये सारे फैक्टर जो अगर काम करेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी जो है थोड़ा सा प्लस में निकाल सकती है। जी बिल्कुल। ललन प्रसाद जी, क्योंकि अगर इस सीट की बात करें, कांग्रेस का ये सूखा जो है 2002 के बाद तो चला आ रहा है, क्योंकि जब राज्य का गठन उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और पहली बार चुनाव हुए थे 2002 में, तो उस दौरान ही कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे रामप्रसाद टमटा, उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन तब से लेकर अब तक कांग्रेस का वनवास इस सीट पर चला आ रहा है। आपको लगता है कि अभी के समीकरण इस तरीके के कुछ बता रहे हैं या बागेश्वर की जनता जो अभी भी चुप्पी साधे बैठे हुई है वोट के जरिए वो जवाब देगी, लगता है ये समीकरण यहाँ पर कुछ खेल कर सकते हैं? देखिए समीकरण तो बदलते ही रहते हैं और जैसे जैसे राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं समीकरण भी बदलते हैं। कांग्रेस भी इस सीट पर स्ट्रांग रही है और बीजेपी भी स्ट्रांग रही है, दोनों पार्टियों में बड़े कांटे की टक्कर, और इस वक्त तो क्योंकि सरकार भी बीजेपी की है और जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के वो भी पूरा जोर लगा रहे हैं, कार्यकर्ता भी जोर लगा रहे हैं, तो ये सब देखते हुए ऐसा लगता है कि ये जो टक्कर है दोनों पार्टियों के बीच में ये देखने लायक होगी। और अभी कोई निर्णय कोई दे देना इस पर बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं एक बात ये कहूँगा कि अगर महिला वोटर्स बड़ी संख्या में टर्नआउट होता है महिलाओं का, एक बात, दूसरी बात यह है कि वोटिंग परसेंटेज अगर 60% के ऊपर जाता है
तो चुनाव का रिजल्ट बहुत स्पष्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि अभी व्यक्ति वोट किस करोड़ लेगा। फिर भी जो स्थिति देखने में अभी आ रही है उसे ऐसा लगता है कि बीजेपी का पलड़ा कुछ भारी लग रहा है, बाकी अभी इसको फाइनल नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल इसे फाइनल नहीं कहा जा सकता क्योंकि जब रिजल्ट आउट होगा तभी इस पूरी जो तस्वीर है वो साफ होगी। राजेंद्र सिंह बेष्टी, क्योंकि अब स्थिति यहाँ पर यह है कि ये उपचुनाव जो है वो राज्य सरकार ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम यहाँ पर नहीं रहने वाला, वो भी तब जब पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ चढ़कर ये जो इनके लिए प्रचार प्रसार किया था, और अब जब ये चुनाव, क्योंकि उपचुनाव यहाँ बागेश्वर उपचुनाव हो रहे हैं, उधर यूपी में भी जो चुनाव उपचुनाव हो रहे हैं घोसी सीट पर, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की, हालांकि वहां पर टक्कर जो है वो बीजेपी और सपा के बीच है, तो वहां पर भी कुछ इसी तरीके की हलचलें जो है वो बनी हुई है। लेकिन अब ये चुनाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री की छवि, ना सिर्फ वहां के काम के लिए, बल्कि आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उनके लिहाज से भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं कि लोकसभा चुनाव पर भी के लिए भी एक आईना होगा ये, और उसका असर तो होगा क्योंकि ये ऐसे समय में आ रहा है कि जब माहौल पूरा गर्म है चुनाव का, और 2024 के चुनाव के लिए बड़ी जबरदस्त तैयारी इंडिया की तरफ से भी हो रही है और बीजेपी की तरफ से हो रही है, तो ऐसे समय में जो भी उपचुनाव होंगे वो कुछ उस दिशा की ओर इंगित करेंगे कि आगे होने वाला क्या है। लेकिन इसको फाइनल नहीं कहा जा सकता इसलिए भी कि ये चुनाव तो राज्य का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव है, और लोकसभा का चुनाव का परिप्रेक्ष्य बहुत भारी बहुत बड़ा होता है, थोड़ा बहुत इसका असर पड़ सकता है लेकिन बहुत ज्यादा असर करेगा ऐसा कुछ नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललन प्रसाद जी आपका, राजेंद्र सिंह बिश जी आपका, नवीन शुक्ला हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। तो बागेश्वर उपचुनाव को लेकर जंग अभी जारी है, जनता बागेश्वर की जनता जो है वो आज इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का जो फैसला है वो आज ईवीएम में बंद करने जा रही है, और अब देखना ये होगा कि जनता जनार्दन का क्या कुछ फैसला होता है। जिस तरीके से पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय चंदन रामदास जी के निधन के बाद ये सीट जो है वो खाली हुई, उसके बाद उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास, उन्हें बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी बनाया गया, और दूसरी तरफ बसंत कुमार जो आम आदमी पार्टी से कांग्रेस में शामिल हुए वो इस चुनावी मैदान में है। चलिए, इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी, आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है वो आपको बताने जा रहे हैं। उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का पहला दिन, बड़ी खबर बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि दी गई है इस मौके पर, विधानसभा सत्र के हंगामे के साथ शुरुआत हुई है, तो सत्र से पहले विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, विपक्ष ने धरने पर बैठकर नारेबाजी किया, सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर हंगामा किया गया है। बड़ी खबर देहरादून से, उत्तराखंड में विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामा हुआ है, इस बीच स्वर्गीय चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि दी गई है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चंदन रामदास जी को श्रद्धांजलि दी गई है सत्र के पहले दिन, और विधानसभा सत्र के हंगामे के साथ शुरुआत यहां पर हुई है, बड़ी खबर आपको बता रहे। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का पहला दिन, और सत्र के पहले दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा किया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। विपक्ष ने धरने दिए हैं, और बड़ी जानकारी सत्र की अवधि बढ़ाने को लेकर हंगामा किया जा रहा है। तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनको सदन के भीतर और बाहर जो है विपक्ष पूरी तरीके से उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस हो, चाहे वो अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जो कार्रवाई राज्य सरकार के तरफ से की जा रही है उसका विरोध हो, ये और आपदा के दौरान जो तस्वीरें और जो व्यवस्थाएं की गई सरकार के तरफ से उसे विपक्ष नाकाफी बता रहे। इस बीच स्वर्गीय चंदन रामदास जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए, चलिए तो दो बड़ी खबरें जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। एक बागेश्वर उपचुनाव को लेकर भी जो हलचले हैं उस पर भी लगातार हम अपडेट आपको देते रहेंगे, और उत्तराखंड विधानसभा का जो मानसून सत्र आज हंगामे के साथ शुरू हुआ है उस पर भी तमाम अपडेट आप तक देते रहेंगे। तो सत्र से पहले विपक्ष ने हंगामा किया है, बड़ी खबर आपको बता रहे। विपक्ष ने धरने पर बैठकर नारेबाजी भी की है,
तो उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र की कार्रवाई आपको सीधे दिखा रहे हैं, दिखाने जा रहे हैं आपको, सीधा प्रसारण आपको दिखा रहे हैं। हंगामा अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरी इन भावनाओं को उनके परिवार तक आप पहुंचाएंगे। धन्यवाद। माननीय सदस्य दिलीप रावत जी। माननीय अध्यक्ष जी, आज स्वर्गीय चंदन दास जी के और स्वर्गीय कुंवर नेगी जी के इस संवेदना और शोक प्रकट करने की इस विधानसभा के इस पटल पर आपने मुझे उनके परिवार तक अपनी संवेदना पहुंचाने का जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने सभी पूर्व वक्ताओं से संबद्ध करते हुए स्वर्गीय चंदन दास जी और कुंवर सिंह जी को संवेदना प्रकट करते हुए मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। तो देहरादून में विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही है, जहां पर विपक्ष के विधायकों ने विधानसभा में प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने जनता टीवी से खास बातचीत करते हुए और कहा कि सरकार की ओर से मानसून सत्र को सीमित कर दिया गया है, इससे साफ होता है कि सरकार सत्र को ठीक ढंग से नहीं चलना चाह रही है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, सत्र की कार्यवाही शुरू की जा रही है, सर किस तरीके से देख रहे हैं 3 दिन का सत्र? देखिए, अनुपूरक बजट पारित करना सरकार का मकसद है, जन सरोकारों से कोई वास्ता नहीं है, सदन को सीमित कर दिया गया है, जो संसदीय परंपराएं हैं, जो संसदीय नियमावली है उसकी लगातार सरकार अनदेखी करती रही है और मात्र 3 दिन का यह सत्र है। अनुपूरक बजट पारित करेंगे उसका सत्र अवसान हो जाएगा। हमारी मांग है कि आज जो ज्वलंत प्रश्न है, जो जिससे पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा है, अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ा जा रहा है, रिवर्स पलायन के दौर में भी जब कोविड काल में जो नौजवान यहाँ रोजी रोटी के लिए वापस आए थे, इन्होंने कहा था हम आपकी मदद करेंगे, आज वो सड़कों पर हैं। 50-60-70 साल से जो बसासत है उसमें भी उनको भी नोटिस दे दिए गए हैं। एक डर और भय का माहौल है। सरकार की नियत साफ होती तो माननीय उच्चतम न्यायालय में जाकर मजबूत पैरवी करके इनके बचाव में आती, लेकिन सरकार का इनसे कोई सरोकार नहीं है। आपदा से पूरा प्रदेश जूझ रहा है, तराई में उधम सिंह नैनीताल हल्द्वानी उधम सिंह नगर हरिद्वार और पहाड़ी क्षेत्र भाबरी क्षेत्र पहाड़ी क्षेत्र में फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, उनका मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। साफ तौर पर विधानसभा का जो सत्र है वो काफी हंगामेदार होने वाला है, कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का साफ तौर पर कहना है कि विधानसभा के अंदर चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर पलायन का मुद्दा हो, इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा। वीडियो जर्नी समूह भट्ट के साथ मनीष शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। तो उत्तराखंड के विधानसभा की कार्रवाई जो है हंगामे के साथ शुरू हुई और तमाम मुद्दों को लेकर हंगामा किया गया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी।